हेलो चिल्ड्रन, मैं हूँ मैम उर्मिला। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है आ की मात्रा। आज अपने क्लास में हम आपको सिखाएंगे आ की मात्रा बनाते कैसे हैं और उसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा बच्चे हम लोग ऐसे अंग्रेजी के अक्षर टी जैसे बनाते हैं। अंग्रेजी के अक्षर टी जैसे आ की मात्रा हमारी बनती है। और ये कब बनती है? हमेशा हम लोग व्यंजनों को लिखने के बाद ही हम इसे बनाते हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण पे जाएंगे। क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण नहीं होता, क से ह तक, क से ह तक हम लोग सारे व्यंजन अक्षरों को लिखेंगे और उससे हम लोग आ की मात्रा लगाते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। देखिएगा, ये आपके कॉपी में इस तरह से लाइन बनी हुई है। बस उसी लाइन में नीचे हम लोग लटका लटका के अक्षर बनाते जाएंगे। देखिए, क, क अक्षर है, ये व्यंजन है और इसके साथ हम लोग लगाते हैं आ की मात्रा। ये टी जैसे बन गया। देखिए, तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे का। आ ही बोलेंगे हम लोग, मात्रा को भी आ ही बोलेंगे। तो ये बन गया हमारा का। फिर ख, ख के साथ आ की मात्रा खा। ग, ग के साथ आ की मात्रा गा। घ, घ के साथ आ की मात्रा घा। अंग, इसमें मात्रा नहीं लगाते हैं हम लोग। च, च पे आ की मात्रा चा। छ, छ पे आ की मात्रा छा। ज, ज पे आ की मात्रा जा। झ, झ पे आ की मात्रा झा। और ये रहा या। ट, ट पे आ की मात्रा टा। ठ, ठ पे आ की मात्रा ठा। द, द पे आ की मात्रा डा। ढ, ढ पे आ की मात्रा ढा। अड, अड पे आ की मात्रा टड़ा। त, त पे आ की मात्रा ता। थ, थ पे आ की मात्रा था। द, द पे आ की मात्रा दा। ध, ध पे आ की मात्रा धा। न, न पे आ की मात्रा ना। नेक्स्ट है प, प पे आ की मात्रा पा। फ, फ पे आ की मात्रा फा। ब, ब पे आ की मात्रा बा। भ, भ पे आ की मात्रा भा। म, म पे आ की मात्रा मा। य, य पे आ की मात्रा या। र, र पे आ की मात्रा रा। ल, ल पे आ की मात्रा ला। व, व पे आ की मात्रा वा। श, तलावे श। श पे आ की मात्रा शा। अगला है षटकोण श, मूर्धनी स जिसे बोलते हैं। श, श पे आ की मात्रा शा। दांती स, स, स पे आ की मात्रा सा। और आखिरी अक्षर है ह, ह पर आ की मात्रा हा। तो बच्चे, आ की मात्रा हमेशा हम लोग मुंह खोल के बोलेंगे आ। और सारे व्यंजनों के साथ देखिए मैंने लगा दिया है, आप लोग भी क से लेके ह तक सारे व्यंजन लिखिए और उस पे आ की मात्रा लगा के उसको पढ़िए। बच्चे, ये आपका टास्क है कल के लिए और अपने मम्मी पापा को सुंदर सुंदर लिख के पढ़ के सुनाइए। कल हम मिलते हैं आपको आ की मात्रा वाले नए शब्दों के साथ।